How are you all? I hope you all are fine. पाइथागोरस जो कल मैंने इनकी कोटेशन आपको बताई थी, फिर से बता रहा हूँ. द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की जो कला है हैप्पीली, खुशी से, वो क्या है? वो है प्रेजेंट में रहना. अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख गए हैं तो आप खुश हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है खुशी का. देखिए, इंसान के अंदर जब तक अक्ल है वो दो चीज़ों से घिरा रहेगा और उनसे आज़ाद नहीं हो सकता. कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है वो पास्ट और दूसरा है फ्यूचर. यानी पास्ट में अगर उसके साथ अच्छा हुआ तो वो उन्हीं मेमोरीज़ में रहेगा, उन्हीं में खोया रहेगा, और अगर वो बुरा हुआ तो वो ये सोचता रहेगा कि आई विश आई कुड नॉट डू दैट, काश मैं उसे ना करता. तो दोनों ही कंडीशन में टेंशन है. अब आ जाइए फ्यूचर. फ्यूचर में जो चीज़ अभी नहीं हुई और शायद मुमकिन है कि ना हो, वो इसी टेंशन में रहता, काश ये ना हो जाए. हालांकि बिलीव मी कि वो चीज़ होगी ही नहीं अगर आप प्रेजेंट में वर्क कर लें. तो इसलिए इसे साबित किया हुआ, प्रेजेंट ही लाइफ है. प्रेजेंट इज़ लाइफ. ये जो लम्हा है जिसमें हम हैं, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यही लाइफ है. इस पल को ही ज़िंदगी कहते हैं. लेकिन हम हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि कुछ होगा, यानी खुशियाँ आएंगी, अच्छा पल आएगा. लेकिन अच्छा पल इसी को बना सकते हो आप, आगे कुछ नहीं आने वाला. क्योंकि आगे जो आएगा उसी में भी आप यही सोचेंगे कि आगे आएगा, यानी वो कंडीशन लगातार बढ़ती रहेगी और आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे लाइफ से. तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, लिव इन प्रेजेंट. डोंट, देखिए, पास्ट की टेंशन का बस ये मतलब है कि जो गलती आपसे हुई उसे ना दोहराएं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसी में लगे रहें आप दिन रात सोचते रहें. क्योंकि अगर आप पास्ट में सोचते रहेंगे ना तो प्रेजेंट को गवा रहे हैं, गुजार रहे हैं, आप जी नहीं रहे, गुजार रहे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो ये थे पाइथागोरस. अब आप समझ भी गए होंगे कि मैथमेटिशियन जो होते हैं उनकी नज़र ज़िंदगी पर कैसी होती है, वो किस तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.